तो यार चलो देखो बस्ती में ज्यादा चलता रहेगा, ये बंक वाली बात आप मत फॉलो करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्रोइंग लाइफ, और मैं आपके साथ आपका दोस्त यशवर्धन। होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस पे लेके आया हूँ जो आपने शायद देखी भी होगी और शायद आपने सुनी तो ज़रूर होगी, यार सब नहीं सुनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको आज कहाँ लेके आया हूँ, आप पीछे देख सकते हो, पता चल गया होगा। तो दोस्तों, आज हम आए इंडिया गेट की तरफ। काफ़ी दिनों से मन था यार घूमने का कि इंडिया गेट चलते हैं। मतलब बचपन में तो हम बहुत आया करते थे यार इंडिया गेट, पिकनिक वगैरह में स्कूल की तरफ से यार। तो काफ़ी मन था यार, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। तो मेरे कुछ दोस्त भी आए हैं मेरे साथ, तो मैं दिखाता हूँ, रुकिए। तो आज हम सारे दोस्त आए हैं, मैं, अमन, उमर भाई और आप देख सकते हो अंकित भाई। आपके कैसे आप लोग? तो उमर भाई बहुत बिजी आदमी है हमारे, लेकिन नहीं, 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 आज ये फ्री, आज ये फ्री हो गए हमारे लिए। उमर भाई काफी टाइम से मन था इंडिया गेट घूमने का, है ना? हम आ गए, बस आपकी आ गए इंडिया गेट में। देखो इंडिया गेट, बिल्कुल मैं दिखाता हूँ आपको। उमर भाई आपको याद है हम स्कूल टाइम में आते थे यार पिकनिक पे इंडिया गेट, है कितना मजा आता था यार उस टाइम यार। अगर देखी जाए तो उस याद की भी बात अलग है, वो मजा अब नहीं है। आज भी हम इंडिया गेट के पे भी खड़े हैं और उस दिन भी इंडिया गेट पे खड़े थे, लेकिन उस वक्त की जो खुशी थी उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो अलग ही थी यार, वो अलग एक्सप्लेन। तो यार देखो, इंडिया गेट एक हिस्टोरिकल प्लेस तो है, बट ये हमारी हिस्ट्री के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमें जानना भी बहुत जरूरी है यार। तो उसकी जानकारी देंगे हमारे अंकित भाई, चलिए। तो दोस्तों, इंडिया गेट के आसपास बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं, जैसे यहाँ पर फाउंटेन वगैरह है, सब चीज़ नाइट में काफ़ी लाइटिंग होती है, तो मैं आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले यार थोड़ी नॉलेज देते हैं इंडिया गेट के बारे में कि ये प्लेस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले मैं अंकित से पूछूंगा यार, वो पूरी अच्छी जानकारी देगा हमें इंडिया गेट के बारे में। तो आइए, तो अंकित जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इंडिया गेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और इसको बनाने का मतलब उद्देश्य क्या था? देखिए, ये एक प्रकार से एक हमारे देश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक इमारतों में से एक है, क्योंकि इस पे जो हमारे देश के लिए शहीद जवान हुए हैं उन सबके नाम लिखे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में भी योगदान दिया, द्वितीय विश्व युद्ध में भी, और भारत के जितने भी युद्ध हुए हैं उन सभी में तो भारतीय जवानों का बहुत बड़ा योगदान है, और भारत की सुरक्षा में हम सब जानते हैं हमारे देश के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। तो उनकी याद में माननीय स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी ने उनकी याद में एक इमारत बनवाई, और जिसे, और यहाँ पर पहले एक अमर जवान ज्योति भी होती थी, तो उसी की याद में बनवाया गया है। मैं पर्टिकुलर ये क्लेसिफाई नहीं कर पाऊंगा कि इंदिरा गांधी जी ने अमर जवान ज्योति जलवाई थी या इंडिया गेट, क्योंकि ये पर्टिकुलर। चलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाँ अमर जवान ज्योति से याद आया, जब हम लोग पहले आया करते थे हम यहाँ पर अमर जवान ज्योति देखते थे, बट आज मैं आया हूँ काफी टाइम बाद तो मुझे नहीं दिखी, तो आप कुछ बता सकते हैं कि उसको किस जगह शिफ्ट किया गया है? आप इसके पीछे ही अभी नया बना है वीर स्मारक, वहाँ पर हस्तांतरित कर दी गई है, तो अब वहाँ पर सेपरेट कर दी गई, मतलब एक ही कर दी गई है, मर्ज कर दी गई है। हमारी केंद्र सरकार का मानना था कि दो जगह जलाने का कोई मतलब नहीं था, तो एक ही जगह मर्ज कर दिया गया है। बहुत बढ़िया। तो मैं बताना चाहूँगा यार, अंकित मेरा स्कूल फ्रेंड भी है, हम लोग बचपन से साथ हैं स्कूल से। तो अंकित, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले उमर से पूछा कि यार हम लोग पिकनिक पे आया करते थे यहाँ पर घूमने के लिए स्कूल की तरफ से, तो हम लोग कितने मज़े करते थे यार, तो वो लम्हा तो आपको याद ही होगा। ज़रूर याद है, हम थर्ड क्लास में आए हैं, फोर्थ क्लास में आए हैं, मतलब हमारी पिकनिक की एंडिंग प्लेस यही होती थी, और हम कम से कम 2-3 घंटे तक यहाँ खेलते थे, खाते थे, फिर उसके बाद हम चले जाते थे। पिकनिक पर ही नहीं, बंक पे भी यहीं आए थे। हमने आके पहाड़ों में नहाया भी है, हमने मतलब ये हमारा एंटरटेनमेंट प्लेस था बचपन का। तो कितने बंक किए थे? तो यार चलो देखो, बस्ती में ज़्यादा चलता रहेगा, ये बंक वाली बात आप मत फॉलो करना है। हाँ हम लोग थे 12th क्लास में, बंक करके आते थे 10th 11th 12th में, तो वो एक अलग मैटर, लेकिन आप लोग बंक मत करना यार, पढ़ो अच्छे से, पढ़ो लिखो। तो जैसे कि हमने इंडिया गेट के बारे में जाना, तो मैं आपको यहाँ के आसपास की प्लेसेस दिखा देता हूँ, अगर आप इंडिया गेट आओ तो इन प्लेसेस पर जरूर घूम के जाना। तो चलिए आइए। तो यार जैसे पहले ना, मतलब हम लोग इंडिया गेट के सामने से ना हमें राष्ट्रपति भवन दिखता था, मैं आपको दिखाता हूँ ये उधर देखो, पर अभी आपको दिख नहीं रहा होगा यार, ये कोहरा कह लो पॉल्यूशन कह लो, मुझे आज तक सच में समझ नहीं आया कि ऐसा कौन सा पॉल्यूशन है जो सर्दियों में आती, सर्दियों में ही, सर्दियों के टाइम ही आता है यार। तो मतलब यहाँ से सामने राष्ट्रपति भवन दिखता था, पर वो नहीं दिख रहा है पॉल्यूशन के कारण। तो आप कभी भी गर्मियों के टाइम आओगे तो आपको ज़रूर दिखेगा यहाँ से राष्ट्रपति भवन सामने की तरफ। तो चलिए मैं आपको आपको मैं लेकर चलता हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के आगे, आइए। तो दोस्तों आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा क्राउड है, मतलब संडे का दिन है तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड आया हुआ है इंडिया गेट के पास। और आप देख सकते हैं इंडिया गेट के नीचे कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल लगा रखे हैं, फ्लावर पॉट में कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल है, काफ़ी काफ़ी अलग अलग तरीके के।
आप देख सकते हैं मतलब कितनी ज्यादा इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, इसकी खूबसूरती को बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, और दोस्तों अब आप देख रहे होंगे कि इंडिया गेट के सामने जो ये वॉल है इस पर बहुत ही बारीकी से नक्काशी की गई है। तो वो नक्काशी करके जो लिखा गया है वो हमारे सोल्जर्स के नाम है, मतलब जो हमारे शहीद जवान थे उन सबके नामों को यहाँ पर लिखा गया है। तो हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर उन शहीदों को याद करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं दीवारों पर बहुत ही बारीक बारीक, बहुत ही बारीक नक्काशी से हमारे शहीद जवानों के नाम लिखे गए हैं। दोस्तों मैं उन सभी वीरों और भारत माँ के शहीद पुत्रों को नमन करता हूँ। तो दोस्तों अब हम एक ऐसे महान व्यक्ति की प्रतिमा के नीचे खड़े हो चुके हैं जिनका भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान था। जी हाँ, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, और नेताजी की प्रतिमा के बिल्कुल सामने है इंडिया गेट, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं परम योद्धा स्थल की ओर, जो आप सामने देख सकते हैं वीडियो में। ये देखिए, ये है परम योद्धा स्थल। वो देखिए सूर्यदेव छुपने जा रहे हैं, मतलब इससे खूबसूरत नजारा हो ही नहीं सकता यार। नेताजी की प्रतिमा, सामने इंडिया गेट और बीच में सूर्यदेव, इससे खूबसूरत नज़ारा शायद हो ही नहीं सकता इस जगह का। तो दोस्तों मैंने आपको इंडिया गेट भी दिखाया और नेताजी की प्रतिमा भी दिखाई, तो हम लोग जा रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल में। आइए मैं आपको दिखाता हूँ पूरा अंदर से कैसा है। आइए, तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय समर स्मारक। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। आइए, दोस्तों हम लोगों ने एंटर कर लिया है नेशनल वॉर मेमोरियल में, और आप सामने देख सकते हैं अमर जवान ज्योति, जो कि पहले इंडिया गेट के पास थी लेकिन अब इसको नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया है। आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्राइड की चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। ये शहीदों की याद में बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल, आप सामने देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग आ गए हैं नीचे की तरफ स्टेट्स के पास, और कुछ ही देर में यहाँ पर गार्ड स्टार्ट होने वाला है और शिफ्टिंग चेंज होने वाली है सोल्जर्स की। देवियों और सज्जनों, राष्ट्रीय समर स्मारक के भव्य परिसर में हम आपका स्वागत करते हैं।
आप सभी आगंतुक तो को अवगत कराना चाहते हैं कि कुछ ही समय में आप गार्ड मेंबर रस्म और रिपीट समारोह को देखेंगे। गार्ड मेंबर रस्म सैन्य परंपरा की हजार वर्षों से चली आ रही परंपरा है। किलों, महलों, वर्षा प्रतिष्ठानों में गार्ड या सदर की अदला बदली का उद्देश्य पहले से उपस्थित गार्ड का नए सैनिक द्वारा स्थान लेना है। इस औपचारिक अनुष्ठान में आज भारतीय वायुसेना के गार्ड अपने परंपरागत वर्दियों में आप पहले से उपस्थित भारतीय नौसेना के गार्ड का स्थान लेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इस स्वदेश परिसर का दौरा करने के दौरान आप हमारे बहादुर दिलों के प्रति अपने मन की भावना विकसित करेंगे और ये आपको राष्ट्र निर्माण में योगदान के प्रति प्रेरित करेगा।
तो दोस्तों आप सब लोगों ने देखा कि कैसे सोल्जर्स की ड्यूटीज चेंज होती है आपस में और जिसे गार्ड कहते हैं। तो यार मेरे को बहुत ही खूबसूरत लगा, मतलब बहुत ही अद्भुत दृश्य लगा मुझे। तो चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग निकल चुके हैं नेशनल वॉर मेमोरियल से और सच में कसम से यार मतलब रोंगटे खड़े हो गए वहाँ पर यार। जो गार्ड देखा हमने, जो गार्ड हो रही थी मतलब शिफ्ट चेंज हो रही थी उन सबकी, तो यार बहुत ही अद्भुत नज़ारा था यार, मतलब बहुत ही खूबसूरत दृश्य था यार। मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यार, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा यार। तो अब हम लोग इंडिया गेट से भी निकल के आ चुके हैं, तो होप आप सब लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही आगे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले व्लॉग की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई जगह के साथ, एक नए आनंद के साथ। टेक केयर, बाय।